आदाब और सत श्री अकाल, एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। और आज मैं लेकर आया हूँ ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ हमारे कम्युनिटी रेडियो पर, यानी कि डीवाई पाटिल रेडियो पर, डीवाई रेडियो पर, और बल्कि आप कहें ज्ञान की वाणी पर, ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट जो आए हैं स्पेशली मेरे पास, जिनको भेजा गया है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट कहें और उतनी ही चार्मिंग कहें और उतनी ही लवली कहें और उतनी ही लाइवली कहें, देवजानी दास गुप्ता मैम की तरफ से। तो उनसे मेरी काफ़ी बात हुई थी और बहुत चीज़ें जानने को मिली और बहुत जल्दी जानने को मिली। तो आज स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास आए, उनसे मैं कुछ सवाल करूँगा। सबसे पहले करूँगा आमना से कुछ सवाल। आज मेरे साथ हैं आमना और क्षितिज। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। कॉमन मैन हमें, जो जितने लोग सुन रहे हैं, आम आदमी सुन रहे हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें पता लगेगा, और जो मिसकंसेप्शंस हैं वो मिसकंसेप्शंस भी दूर होंगे, यानी गलतफहमियां दूर होंगी। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो अब होने वाला है यहाँ पर आमना से, और अगली बार आप लोग सुनेंगे आमना की। आमना, हेलो हाय, कैसे हैं आप? हेलो हाय। ओके, तो आई थिंक आप ठीक होंगे, जिस तरह से साउंड कर रही हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। तो अब ये सवाल मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक, वैक्सीन्स, बूस्टर्स, दीज आर द वर्ड्स दैट कम फ्लोटिंग अराउंड टू अस अ लॉट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक के दौरान ये सारे शब्द हमारे सामने आए, जिनको नहीं पता था उनको ही पता चल गया सुन सुनकर। कुड यू हेल्प आवर लिसनर्स गेन अ डीपर इनसाइट ऑन द रिलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद कोविड-19, यानी कि कोविड के साथ? Okay, so by definition, I'll start off with saying that biotechnology is a multidisciplinary field that involves the integration of natural sciences and engineering sciences in order to achieve the application of organisms, cells, parts thereof to create things that are good for human beings. Biotechnology integrates so seamlessly in our day-to-day life, so much so that we barely even notice the boon it is to mankind. From the clothes we wear, to the food we eat, to the medicines we use when we fall sick, to the smart watches that we wear today, biotechnology is literally everywhere. Coming to COVID-19, a disease that infected over 23 million people worldwide, was curbed with the use of vaccines. One of the keys to finding the correct COVID-19 vaccine was the application of biotechnology. In order to understand how the knowledge of biotechnology was imperative in the creation of these vaccines, we'll have to first understand what vaccines really are. Okay. A vaccine, by definition, is a biological product which is given to individuals to strengthen their immune system from the attacks of harmful bacteria. Okay, so actually, agar isko sahi shabdon mein aur saral shabdon mein samjhana ho, kyunki medical terms kai sare log to samajh nahi pate, exactly. To kaise aur bataye vaccine? Ek tarah se wo to samajhte hai ki tika hai. Correct. Zyadatar aam bolchal ki bhasha hum log kehte hain, bhaiya ek tika hai, ye bimari ka tika hai, to pehle hi lagwa lena. चाहे पोलियो के लिए लगवाओ या किसी और हेपेटाइटिस बी के लिए लगवाओ, किसी भी चीज के लिए। करेक्ट। सो आल्सो कैन यू एलाबोरेट दैट? श्योर। सो अभी व्हाट इज सो मैजिकल, व्हाट इज दिस मैजिकल इंग्रेडिएंट्स इन वैक्सींस दैट इज प्रोवाइडिंग यू इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल द डिजीजेस, राइट? सो वैक्सींस आर मियरली, कहे तो दे आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्चुअली कॉजिंग द डिजीज, बट दे आर वीकेंड फॉर्म्स ऑफ दैट, दे आर अटेन्यूएटेड फॉर्म्स ऑफ दैट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इफ यू नो समथिंग कैन इन्फेक्ट यू, यू टेक अ वीकर काउंटर पार्ट ऑफ दैट सब्सटेंस एंड ट्राई टू मेक योर बॉडी कॉम्बैट दैट। The production of antibodies occurs, and then when the actual strong pathogen enters your body already has antibodies against it. So your body literally goes like, oh, we were prepared for this invasion. सही है। So actually ये वाली बहुत सारी जानकारियाँ जो आपने दी, ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी तैयारी है निबंध जैसी आमना के पास। तो आमना इस तरह से हमें सारी चीजें बता रही है, but that's very well said. ये बहुत अच्छी बात है, और इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अब कॉमन मैन को भी इसके बारे में काफी सारी जानकारियाँ हमें मिल जाएंगी, मिल रही होंगी। अब मैं आपसे दूसरा एक ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाट आर द इंप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अदर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? ओके, नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी हैज इंटीग्रेटेड सो वेल इनटू ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड दैट इट ऑलमोस्ट सीम्स इम्पॉसिबल टू नेम एन इंडस्ट्री वेयर इट हैजंट बीन इनकॉर्पोरेटेड। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट अटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। लेट्स टॉक इन स्पेसिफिक टू SDG 2 व्हिच इज इरैडिकेटिंग वर्ल्ड हंगर। Since we are in an era where, according to the statistics, in 2020, around 720 million people worldwide have been suffering from hunger and malnutrition, it's a no-brainer that something somewhere is lacking. Biotechnology is trying to bridge this gap with the use of genetically modified crops. The use of high-yielding, disease and pest-resistant crops will have a direct bearing on improved food security and environmental conservation. So, aapko khana bhi mil raha hai aur environment bhi acha reh raha hai. With genetically modified crops, you have more yield on less land. This results in higher overall productivity. India is fourth amongst the 14 mega biotech crop countries.
5 million farmers in India are engaged in planting BT cotton, which is basically a genetically modified crop which grows without the use of external pesticides. That's great, that's nice. Another major area where biotech is advancing leaps and bounds is agriculture. There's something called self-clonal crops. It's almost like the crops are cloning themselves. So a typical farmer in India makes around 15,000 rupees per month. That's it. They could easily make more money by growing hybrid crops. Which ये बात भी अच्छी है कि मतलब biotechnology का use करने के बाद वो और ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं, उनके पास भी खुशहाली आएगी, बच्चों को और ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। Correct. जो अक्सर उनके बारे में या तो सोचा नहीं जाता है, अगर वो सोचते भी हैं तो उनके पास लोन मिल जाएगा कुछ सस्ती दरों पर। Exactly. इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। Exactly. तो अब उनके पास मतलब काफ़ी सारे फायदे हैं जैसे आपने बताया biotechnology। Exactly. So even now we have solutions by with the use of hybrid crops, but then the seeds are very expensive. So expensive yield includes, अगर expensive उनका yield हो रहा है, their production is expensive, तो grocery में हम लोग को जो market में चीजें मिल रही है वो भी expensive हो जाएंगी. So they are not doing it, but it's also not as easy as it looks. So now we are hurtling towards a future in which farmers could possibly buy hybrid seeds once and then grow them forever without relying on the big seed companies at all. So biologists are trying to make genetically engineered plants that produce offsprings without fertilization. They basically just clone themselves. Hmm. It sounds very convenient because then we can maintain the good traits, जो अच्छे traits हैं plants में, वो आप maintain कर रहे हो in perpetuity, हमेशा के लिए, without having to worry about your messy genetics. तो अब मैं क्या करूँ? मैं जॉब छोड़ दूँ? काम छोड़ दूँ मैं? मतलब आई हो तैयारी करके ऐसे बोलती हो, एकदम न्यूज़ रीडर की तरह आप इतना सारा बोल देती हो और बात अच्छे से बोलते हो, समझा देते हो, क्या क्या पूछूं क्या मैं पूछता हूँ? खैर अगला सवाल भी है मेरे पास, इसलिए व्हेन वी लुक एट मेडिसिन एज अ सेक्टर सिंस इट्स अ फील्ड वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेडिसिन का भी जो पूरा सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा क्लोज है. दैट्स राइट. ओके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट वी कैन एक्सपेक्ट व्हेन बायोटेक्नोलॉजी इज अमलगमेटेड विद द मेडिकल सेक्टर? स्पेशली अब ये कि मेडिकल सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है, इसके बारे में आप ज़्यादा बताओ, क्योंकि अपने फार्मर को लेकर एक बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई फार्मर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ होता है यूरिया वगैरह, या कितना क्या डालना है, किस तरह से खाद में और मैन्योर जो आप यूज़ कर रहे हो, तो किस तरह से यूज़ करना है और कितनी मात्रा में यूज़ करना है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इस बात पर आ रही है. कई सारी सब्जियाँ आपने देखी होंगी, लौकी इंजेक्शन बना बना के बढ़ा देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोग शॉर्टकट्स आजकल ज़्यादा देखने लग गए हैं और साथ साथ ये भी है कि भाई इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोग देखते हैं कि हाँ भाई हरी है, ताज़ी है, बड़ी है, बहुत अच्छी है. ये बंद गोभी के साथ भी हो रहा है, कैबेज के साथ हो रहा है, काफ़ी सारी सब्जियों में ऐसा हो रहा है. तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, पहली बात. दूसरा वही जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये मेडिसिन से एक सेक्टर के तौर पर किस तरह से जुड़ा हुआ है. राइट, सो आई विल फर्स्ट टेक योर क्वेश्चन ऑन मेडिसिन in combination with biotechnology and what biotechnology can do in the medical sector. So I sunte rahiyega sab log aur jitne log department mein, please suniyega ek bar aur, lamba ek answer aane wala hai. Right. So I'll just say two words. Personalized medicine. The whiff and anticipation of personalized medicine is becoming a regular in practice, is not just smoke without fire. Okay. I mean, do you give the same advice to two different people? उनका अगर problem similar है, फिर भी आप उनको same advice देंगे क्या? उनके लिए काम करेगी क्या? वो दो different background से आ रहे हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं करेगी. Exactly. It's similar to, let's say, आपको एक physique बनानी है, and you have the same goal. There are two people who have the same goal, but they come from two different starting points. तो gym trainer उनको same वर्कआउट शेड्यूल थोड़ी देगा, क्योंकि उनकी बॉडी टाइप भी अलग होगी, एक की एक्टोमॉर्फिक होगी, एक की कुछ अलग होगी. Exactly. एक के मतलब बहुत जल्दी बल्क गेन हो जाता है, एक का नहीं गेन होता है, तो किसी को मसल गेन करना है, किसी को बल्क गेन करना है, सब लगता है. Exactly. So then how is it fair to expect the same medicines to work for two different individuals even if they have the same problem? Okay, correct. That's when personalized medicine comes into picture, right? And that's when doctors and pharmacists will also have to consult biotechnologists before making their prescriptions to patients. Okay. Personalized medicine is revolutionizing how we think about healthcare by tailoring the treatments to an individual's unique characteristics. Unke lifestyle pe base kar rahe ho, unke environment pe base kar rahe ho, unke genetic makeup pe base kar rahe ho aap unka medicine. Okay, you are also talking about the multivitamins and what we are taking it as a protein tablets. And the multivitamins, vitamins? Right. Right. Let's say someone has cancer. Okay. Okay. Unka same treatment nahi hoga. Even if they have the same kind of cancer, their genetic background is different. Definitely. So you can't have the same treatment for them. Hmm. So that's when personalized medicine is coming into picture. In the past few years, we've seen incredible advances in personalized medicine. Can you imagine being able to edit
लाइक एडिट, आप फोटोग्राफ्स जैसे एडिट करते हो, हाँ. आप अपना डीएनए एडिट करना कभी इमेजिन कर सकते थे? नहीं, डेफिनेटली नॉट. एग्जैक्टली, बट बायोटेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिस इनटू एन एब्सोल्यूट रियलिटी. एन एग्जांपल इज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर कैस 9, अ जीन एडिटिंग टूल दैट हैज अलाउड द साइंटिस्ट टू प्रिसाइसली एंड एफिशिएंटली मॉडिफाई स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ योर डीएनए, पेविंग द वे फॉर न्यू जेनेटिक थेरेपीज. एंड दैट्स नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग विद व्हाट द पॉसिबिलिटीज आर विद सच टेक्नोलॉजी. ये तो कुछ ऐसा लगता है ह्यूगो डीवीज की म्यूटेशन थ्योरी की तरह. अगर आपने करेक्ट, इफ यू हैव सीन दिस मूवी बाय द नेम द रैम्पेज, उसके अंदर दैट मूवी इज एंटायरली बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस 9. एंड आई रियली सजेस्ट एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू दिस टू अगेन गो एंड वॉच रैम्पेज. आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी बट इट्स अ फैंटास्टिक मूवी. हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज मैं भी देखता हूं, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखी हो तो प्लीज जाकर देखें. अगर मैं इसके बारे में अब एक और आपसे सवाल करूं जो रिलेटेड क्वेश्चन है, कि कुछ लोग इस पर बात करते हैं, जिसको पता है वो बात करते हैं, मुझे पता चला क्योंकि मैं खोजता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं. कैन यू टेल अस अबाउट द न्यूट्रोपिक्स, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी से काफी जुड़े हुए हैं. न्यूट्रोपिक्स एक्चुअली जब आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करनी पड़ती है, खासकर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, कुछ हाईली कॉर्पोरेट जो पीपल होते हैं वो लोग इसको लेते हैं. न्यूट्रोपिक्स ऐसा होता है कि वो आपके माइंड को जल्दी जल्दी काम करने के लिए ट्रेंड कर देता है, फास्ट कर देता है, आपको आपके सोचने के तरीके को फास्ट कर देता है, आपकी एक्टिविटी को फास्ट कर देता है. So, can you tell us about that or do you know about that? Right. So, I think what you're trying to say is very synonymous with steroids. Is it? Kind of a steroid, but it's not the steroid because it's legal. So, okay. Bolte ki aapke performance enhances tablets right. or something like that. Even a sport person bhi le rahe hain, but not the physically one. Okay. It is actually about the, you know, mentally. Mentally. Okay. Mentally. They actually work mentally more than physically. So, again, that's again developed wet lab. के अंदर बायोटेक्नोलॉजीज कंबाइंड विद फार्मासिस्ट. आई थिंक दे डेवलप द इंग्रेडिएंट्स एंड दे मेक दिस प्रॉपर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स व्हिच आर अगेन हेल्पिंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. राइट, हालांकि मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ. जो आप लोग हम लोगों को सुन रहे होंगे, मैं और आमना इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उस स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हों कि जो आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए तो लेते हैं, लाइक द मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रोपिक्स, बट आप डोप नहीं ले रहे हैं, जिसको एक्चुअली डोप बोल देते हैं, डोप टेस्ट कराया जाता है. ये वो वाले टेबलेट्स नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो कराया तो उससे पहले उनके ब्लड सैंपल yes, की जांच करा ली exactly, जाती है yes. और उसके बाद ही आप जा सकते हैं स्पोर्ट्स में, कि अगर आपने कोई भी ऐसी टेबलेट्स नहीं ली है. सो ये आप सब लोगों के लिए जानकारी के लिए हमने बताई थी. अब मेरे पास अगली आवाज़ जो आने वाली है वो आने वाली है क्षितिज की. क्षितिज नाम बहुत अच्छा है, जैसे कि जो आसमान का नाम होता है आकाश का नाम होता है, और क्षितिज पर सूर्य बहुत अच्छे से चमकता है. तो क्षितिज पर जब वो पहुंच जाता है 12:30 का वक्त होता है, उस वक्त की बात ज़्यादा अच्छी होती है सूरज की, क्योंकि तब सूरज रोशनी अच्छी देता है. क्षितिज से भी कुछ ऐसी उम्मीद है आज, एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हैं तो इसके बारे में हमें काफी सारी चीजें वो बताएंगे. क्षितिज, वो सबसे पहले तो आप ये बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया. अच्छा, आप कैसे? अच्छा है, ओके, दैट्स ग्रेट. मैं भी अच्छा हूँ. ओके, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स? रीसेंट डेवलपमेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आप बताइए, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें एक आइडिया हो गया. बिल्कुल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ हम कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करता है ऑफ बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू मेक सेंस आउट ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा विच दीज बायोटेक्नोलॉजिस्ट, लॉट्स ऑफ क्लिनिशियंस एंड लॉट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आर यू नो रिसर्चिंग एंड गेटिंग दिस डेटा आउट. सो हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट बायोलॉजिकल डेटा, एंड वी वर्क एट द माइन्यूटेस्ट लेवल्स ऑफ डिटेल्स एट द नैनो स्केल. Like Ant-Man exploring the quantum realm. Oh, that's great. यार ये बहुत अच्छा example बहुत आपने अच्छा दिया. Avengers के जो Ant-Man से आया, काफी सारे लोगों को अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जी बिल्कुल. So you are the Ant-Man or you are the actually Iron Man? Yes. Moving forward, so recent developments in bioinformatics have really propelled the field into new frontiers. जी. So it's like a rocket blasting off into the unknown. Because काफी चीजें हमें उस लेवल पे अब तक पता नहीं चली है. तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मतलब वैसी बात हुई जो मैं आम बोलचाल की भाषा में लोगों को समझाऊं, कि जो आपके पास डेटा आता है बायोटेक्नोलॉजी से या कहीं से भी, जो भी एक्चुअली बायोलैब वाला जो डेटा है, आप बता रहे हो कि आप उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से कुछ माइन्यूट डिटेल्स निकालते हैं और देन आप किसी भी चीज के नतीजे पर पहुंचते हैं, राइट? जी हां, जी हां. सो वन रिमार्केबल ब्रेकथ्रू इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस फील्ड, एक्चुअली इन जीनोमिक्स स्पेसिफिकली. So they can analyze DNA sequences, identify genetic variations, आपके जो जीनोम में variations दिखते हैं, जो आपका DNA sequence है उसमें variations, and they predict the impact of these variations on disease risk and treatment response. Can I ask you one thing, कि जैसे अगर किसी की family में cancer की genes चली आ रही है genetics में हो रहा है उसके साथ,
जी मतलब हाँ भाई मेरे परदादा को भी था, मेरे दादा को भी था, मेरे डैडी को भी हुआ या नहीं हुआ, तो उसको रिस्क कितना हो सकता है, तो ये हम आराम से हम डिटेक्ट कर सकते प्रेडिक्ट हैं, कर सकते हैं, प्रेडिक्ट डिटेक्ट कर भी सकते कर सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि हैं। आपको सो कितना वंडरफुल। परसेंटेज रिस्क है ये हाँ होने का फ्यूचर में। तो कम से कम आप अपने चेकअप वक्त से कराते रहिए जिससे कि आपको ऐसा ना हो, आप एक्चुअली कोई भी स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी कोई भी बुरी आदत ना रखें। यस, ओके ग्रेट, कंटिन्यू। अनदर एरिया दैट इज विटनेस ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इज एक्चुअली सिंगल सेल जीनोमिक्स विद सिंगल सेल सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज दैट वी कैन डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर इकोसिस्टम्स। मतलब जो हमारे सेल के कल्चर्स होते हैं उनके बड़े ही डिटेल में जाके वी आर पेयरिंग इनटू द माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स जी टीमिंग विद लाइफ ओके एंड दिस हैज हेल्प्ड इन लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स फॉर ह्यूमन माइक्रोबायोम एनालिसिस। इट हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एट दैट माइक्रो लेवल। बायोइनफॉर्मेटिक्स हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड इट्स इंटरैक्शंस विद क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। साइंटिस्ट कैन विजुअलाइज बायोमोलिक्यूल्स एट नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन। प्रोटीन स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। यस, ओके मतलब जो आप प्रोटीन खा रहे हैं या हाँ फिर जो भी हमारे अंदर के जा रहा ऑर्गेन्स बने इनटेक, हैं, जो लिया जा रहा है ऑर्गेन्स बने। ओके ऑर्गेन्स जो भी बने हैं, हाँ सेल्स जो भी बन रहे हैं, उनके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं उनको भी हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उनको दैट्स स्टडी कर ग्रेट। पा रहे हैं। ओके सो इन द रेलम ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन, जैसे अमीना ने भी आपको बताया था कि बहुत प्रिसाइसली वी कैन प्रिडिक्ट कि आपके डिजीजेस कैसे प्रोग्रेस होंगे, कैसे जी आप इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग पेशेंट डेटा इंक्लूडिंग जीनोमिक इन्फॉर्मेशन एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स वी कैन डेवलप प्रिडिक्टिव मॉडल्स दैट गाइड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। इट्स लाइक हैविंग अ कंपस दैट कैन नेविगेट अस थ्रू द वास्ट सी ऑफ मेडिकल ऑप्शंस। कंपास के बारे में ये बोलना है क्षितिज का, कि जिस तरह से कंपास को आप यूज करते हैं खासकर समुद्री यात्राओं में और वॉयजेस में जिसको हम कहते हैं, तो आपको पता चल जाती है सही दिशा क्या है, जो आप स्पेशली आर्मी में भी यूज कर रहे होते हैं, तो उसी की तरह काफी सही दिशा आपको मिल जाती है। यस, से दैट यस ओके एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द इम्पैक्ट ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स इन फाइटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। बायोइनफॉर्मेटिक्स बिकेम अ पावरफुल टूल इन ट्रैकिंग द वायरस, स्टडीइंग द म्यूटेशंस एंड डेवलपिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वैक्सीन्स। इट्स लाइक अ सुपर हीरो केप दैट एम्पावर्स साइंटिस्ट टू स्टे इन वन स्टेप अहेड ऑफ द एवर इवॉल्विंग वायरस। सो लेट अस सेलिब्रेट द वंडर्स ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स वेयर साइंस मीट्स टेक्नोलॉजी एंड इमेजिनेशन मीट्स रियलिटी। इट्स अ फील्ड दैट कंबाइंस प्रेसिजन मैथमेटिक्स एंड द पावर ऑफ कंप्यूटिंग एंड द ब्यूटी ऑफ ये एक बायोलॉजी। बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसी बात हो गई, मतलब साइंस मीट टेक्निक्स यू नो टेक्नोलॉजी। ओके सो कैन आई आस्क यू आल्सो वन क्वेश्चन, व्हाट यस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि अभी आपने बताया है, प्लीज इसको और एक्सटेंड करें। यस बिल्कुल, आई वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस हाँ कि बायोइनफॉर्मेटिक्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस, क्रिएटिंग फाइलोजेनेटिक ट्रीज दैट असेंबल्ड अ जायंट जेनेटिक फैमिली ट्री। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प इम्प्लीमेंट मेजर्स लाइक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एंड क्वारंटीन्स। ओके तो इसको कुछ और सरल शब्दों में समझाया जा सकता है और बिल्कुल, सो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि स्प्रेड हम लोग ट्रैक कर सकते हैं वायरस का हाँ थ्रू बिल्कुल बायोलॉजिकल डेटा। ट्रू बायोलॉजिकल डेटा। सो हम सर्टन रीजन्स मार्क कर सकते हैं जहाँ की हमारा पॉपुलेशन बहुत ससेप्टेबल है हाँ उस वायरस के इन्फेक्शन के लिए, ओके ग्रेट। तो उन लोगों को वी कैन टेक मेजर्स लाइक सबसे पहले ट्रैवल मतलब हम उन्हीं को रिस्ट्रिक्शंस एक और प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कि सबसे पहले इस एरिया का हम का इस एरिया जितने क्वारंटीन जो कर हैं दें। क्वारंटीन कर दें, यहाँ पर इलाज करें पहले, ये बिल्कुल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा फैल रहा है इस जगह की। बिल्कुल, देन बायोइनफॉर्मेटिक्स फैसिलिटेटेड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट्स लाइक शेरलॉक होम्स सर्चिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द वायरस इन पेशेंट सैंपल्स। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे लाए आप लोग, ये लेकर बड़े प्यारे प्यारे, बिल्कुल हॉलीवुड टाइप एग्जाम्पल, कोई अविजन से आ रहा है, कोई शर्लोक होम्स से आ रहा है, और सर ऑर्थर कॉनन डॉयल विल बी सो मच हैप्पी। यस यस, बेनेडिक्ट, इफ यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच। दिस अलाउड फॉर एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल इन्फेक्टेड ह्यूमंस। Then scientists quickly sequence the complete genome of SARS-CoV-2, decoding the blueprint of the enemy. That's what we did. This knowledge was instrumental in the development of vaccines, antiviral drugs, and other therapeutic interventions. ओके So bioinformatics also helped identify potential drug candidates for COVID-19, like a virtual treasure hunt for that one key compound that could unlock the door to an effective treatment. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू इज दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मा इंडस्ट्री विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स लीडिंग द वे। लास्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो पर्सनल क्वेश्चन है, वो पूछूंगा इसके बाद। जी, सो द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विद बायोइनफॉर्मेटिक्स लीडिंग द वे इज लाइक एम्बार्किंग ऑन एन एक्साइलरेटिंग एक्सपेडिशन इनटू द एनचांटेड टेरिटरीज। ओके
Let's explore the exciting possibilities that lie ahead. Bioinformatics is poised to revolutionize healthcare by enabling personalized medicine through the integration of genomic data, clinical records, unique genetic makeup information. It's like having a compass, like I mentioned earlier. Then imagine a world where diseases could be diagnosed at their earliest stages. तो मतलब revolutionize कर चुकी है already. हाँ और ज़्यादा होने वाली है क्योंकि at this point we can even predict diseases which haven't even taken place in your life. Yes. Okay. So which is a really great thing. Wow. And bioinformatics has a potential to unlock the power of biomarkers and predictive models, allowing for early detection and intervention. It's like a crystal ball that foretells potential health risks. Okay. तो ये हेल्थ केयर में एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फार्मा इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर. कुछ एक पर्सनल क्वेश्चन मुझे आपसे और भी पूछने थे इसके अलावा, क्योंकि हम लोग वक्त को कुछ और भी लेकर चलते हैं जी कमी के साथ, और वो अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आपको शुरू से ये करना था कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मुझे आना, तो वाई डिड यू चूज एक्चुअली दिस स्कूल दिस कॉलेज? के ठीक है मुझे स्कूल और कहीं और भी मिल सकते हैं, लेकिन वाई डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, वाई दिस कॉलेज? तो उसकी एक थोड़ी सी कहानी है कि मुझे एक्चुअली ट्वेल्थ में मतलब अनलाइक एवरी वन एल्स मुझे सारी सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कि बायोलॉजी भी अच्छा लग रहा था, मैथमेटिक्स भी अच्छा लग रहा था, कंप्यूटर साइंस भी अच्छा लग रहा था. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वॉज रियली माई डोमेन विच कम्बाइंड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, एंड दिस कॉलेज वॉज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कॉलेजेस हु ऑफर्ड दिस कोर्स विद डेटा साइंस एज वेल, विच रियली एनहांसेस योर फ्यूचर ऑप्शंस. अच्छा, तो मेरा अगला सवाल है वो है आमना से, कि आमना ये बताओ मुझे कि व्हाट इज इट एक्चुअली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी, योर स्कूल, योर कैंपस, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा, कैसा है, कितना अच्छा है, कितना ज्यादा है, और कितनी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने को आपको मिली? एग्जैक्टली आई थिंक मुझे टाइम कम पड़ जाएगा अगर मैं चालू हो जाऊंगी तो, बट आई विल टेल यू वेरी ब्रीफली व्हाट माय जर्नी हैज बीन. सो आई वाज बैक इन कुवेट When I was shortlisting colleges in Mumbai, जो कि मुझे ऑफर कर रहे थे BTech in Biotechnology का कोर्स, then I stumbled upon DY Patil University. I went through their website, and the reason I ended up choosing the school is because of their well-curated syllabus. With exposure to so many domains coupled with such great infrastructure and state-of-the-art laboratories. Now I'm a biotech student, but मुझे खुद को दो I had to pass two levels of bioinformatics to you know proceed through my semesters. Okay. So that just shows how much of in-depth knowledge and how much all domain knowledge they provide. मतलब आप ऐसे वैसे नहीं आओगे, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी तक भी पहुंचना है तो आपको मतलब बीच में ये दो बैरियर्स हैं, ये जो एग्जाम्स वो क्लियर करने पड़ेंगे. Exactly, because he is a bioinformatics grad, he is pursuing bioinformatics and I am doing biotech, but मुझे भी फिर भी लर्न करना पड़ रहा है bioinformatics because it is important to have that all-rounded knowledge. Oh, that's good, nice. और इसके साथ साथ फिर अब ये कि वो ये वाली बात है जो हम आप लोगों से अभी करने वाले हैं प्यारे से छोटे से इस ब्रेक के बाद. आ गए एक बार फिर से आप लोगों के बीच, सो वेलकम बैक ओनली ऑन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो, हमारा रेडियो डीवाई पाटिल का रेडियो, यानी कि ज्ञानवाणी ज्ञान की वाणी. इन लोगों से पर्सनल कुछ सवाल जवाब मेरे चल रहे थे, तो मैंने पूछ लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैंने पूछ लिया था अभी उनसे कि उन्होंने स्कूल को क्यों चूज़ किया, यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, लेकिन अभी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है कि फैकल्टी के बारे में प्लीज मुझे आप जरूर बताइए, हाउ इज़ योर फैकल्टी, कितनी बार कान उमेटते हैं, कितनी बार डांटते हैं, कितनी बार सपोर्ट करते हैं, और कई बार एक्चुअली जब आप सही रास्ते पर नहीं चलते सही रास्ते पर लाते हैं, कई बार जब आप टूट जाते हैं तो आपको उतना सपोर्ट देते हैं कि नहीं नहीं परेशान मत, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और ऐसा भी मतलब कोई एक पॉइंट आता होगा आप लोगों के बीच में कि ठीक है कोर्स तो ले रही है लेकिन बड़ा परेशानी हो रही है, पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है, सोने को कम मिल रहा है, खाना ठीक टाइम पे हम खा नहीं पा रहे, क्या करें, छोड़ दें, क्या करें, क्या इसका, तो ऐसा कभी कुछ हुआ आप लोगों के साथ? सो प्लीज टेल मी अबाउट दैट एंड आल्सो प्लीज टेल अस अबाउट योर फैकल्टी. नहीं नहीं ऐसे ऐसे तो होता ही हर एक कोर्स में, आई बिलीव दैट कुछ प्रॉब्लम्स तो होती है हमें, बट बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड एंड ब्रिलियंट फैकल्टीज इन ऑल डोमेन्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ आर कॉलेज. They have been recognized nationally and internationally with many awards and have a plethora of publications, yani research papers, in reputed national and international journals. I would like to highlight one of the contributions of our Dr. Selva sir. He has been instrumental in his research during the COVID period. He has collaborated with many international organizations and research institutes from China, United States and a lot of other countries. The research focused on unraveling the dance between human Azrin protein and SARS-CoV-2, exploring potential inhibitors, and he also delved into nicotine's blocking potential on viral entry and therapeutic strategies against Omicron variant. Okay.
एन एक्साइटिंग प्रीप्रिंट शोकेसिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स एप्लीकेशन एंड CD4 डोमेन एनालिसिस। आप लोगों को भी कुछ कहना है, आपने भी कुछ बताना चाहेंगे, प्लीज आमना से। ठीक है, आई थिंक ही हैज हाइलाइटेड ऑल द कंट्रीब्यूशंस एंड ऑल द क्वालिफिकेशंस दैट आवर फैकल्टी हैज, बट आई वुड लाइक टू यू नो जस्ट शो हाउ ग्रेट ऑफ मेंटर्स दे आर। Because personally, I had a shift. I had a major shift when I was shifting countries from Kuwait to India. But these guys made it so simple, so smooth, transitional that I never felt the change. मतलब जिस faculty की बात नहीं हो पाई है, आप उन faculty के बारे में मतलब बता ही रहे हैं साथ साथ, तो नाम ले सकते हैं उनका भी। Exactly. I think mera first and second semesters were all reliant on Dr. Vibha ma'am, Dr. Naveen sir, हमारा exam department Dr. Liji ma'am. I don't know. I really can't tell you how much they have contributed and what we are today. Hum log jitna bol pa rahe is all because of what they have taught us. Devjani Das Gupta ma'am, aap log sun rahe hain ki nahi? Sun rahe hain to please meri taraf se bhi maaf kijiyega ye baat. Acha keh raha hu, mujhe ek sawal aur aapse puchna hai, wo ye hai ki how it is to have a stadium, you know, stadium, gymnasium, swimming pool in your campus. Halanki wo is campus mein nahi hai, because I think your campus is in Belapur, hai na? तो फिर भी, लेकिन अगर आपको यहाँ पर आना होता है, यहाँ पर आकर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वीमेन प्रीमियर लीग हुआ था, फुटबॉल लीग हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, स्पेशली IPL बीच बीच में होता रहता है, कई सारे और भी जो इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं, जिमनेजियम है ये वो देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, फोर्थ फ्लोर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बेहतरीन बनाया गया, टेक्निक भी है और साथ साथ हरियाली भी उतनी है। से समथिंग अबाउट दैट। जी बिल्कुल, लाइक वी हैव रियली टॉप क्लास फैसिलिटीज, लाइक एज यू मेंशन कि स्पोर्ट्स में काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो बहुत मज़ा आता है व्हेन एवर वी कम हियर, वी एंजॉय अ लॉट। ऑल्सो मैचेस, बड़े बड़े मैचेस होते हैं हमारे स्टेडियम में, तो हमें उनसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इन द स्पोर्ट्स डोमेन एज वेल। अमीना, यू हैव समथिंग टू से? Say right. I always have something to say. I'll always have something to say. Also, so even though हम लोगों का probably campus is around 2 kilometers away, but we come here so often that it never feels like a separate campus. हम पड़ोस में उस बच्चे की तरह हैं, मतलब क्या रहते हैं अपने घर में, लेकिन अब जब खाने पीने का मन होगा तो पड़ोस में जरूर आएंगे हम। Exactly, exactly. So we're always here for all of their sports fests हो गया या फिर these premier leagues, all of their tickets are always available and they're distributed, it's a lot of fun. अच्छा, दोनों कैंपस में आपका ये क्या है पर्सनल, एक जो एक कोना होता है, एक कॉर्नर होता है अपना, कि यार ये मेरा फेवरेट है, किसी का लाइब्रेरी होता है, किसी का कैफेटेरिया होता है, किसी का स्टेडियम है, तो आप दोनों के कौन कौन से वो है जो आपके बेलापुर वाले कैंपस में है या यहाँ पर है, कहीं से भी आप बता सकते हैं चूज करके कि नहीं मेरा ये है पर्सनल कोना, पर्सनल कॉर्नर। ओके, मेरा पर्सनल कॉर्नर होगा हमारे कॉलेज में जो बायोइनफॉर्मेटिक्स लैब है, आप मुझे हमेशा उधर ही पाएंगे किसी फैकल्टीज़ के साथ बात करते हुए या फिर कोई प्रोजेक्ट करते हुए, तो दैट्स माय रियली कंफर्ट जोन। ये इतना पढ़ाई में मतलब खुशे हुए हैं, कितना इन्वॉल्व हैं, कितना इनको अच्छा लगता है कि उन्होंने कैफेटेरिया नहीं बोला, कुछ और नहीं बोला, उन्होंने मुझे ये अच्छा लगता है, मैं यहाँ रहूँगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स सो मच नाइस ऑफ यू। अच्छा यार, क्योंकि अगर आपको पर्सनली वहाँ बहुत शांति मिलती है और अच्छा लगता है तो। हाँ आमना, मेरा एज यू सेड कैफेटेरिया है। देखो कैफेटेरिया ऐसी जगह होती है, जितनी चर्चाएँ आपको मिलेंगी वो वहाँ मिलेंगे, एग्जाम के बारे में चर्चा, सेमिनार है, किसका कैसा गया, कौन सा प्रोजेक्ट है, कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, तो सारी जितनी चर्चाएं जो चलती हैं बनती है वो कैफेटेरिया में। Exactly. और मैं ये भी गुजारिश करूंगा आमना से कि जैसे ही क्षितिज आपको मिले तो कभी कभी क्षितिज को भी वहाँ पर लेकर जाएं कि भाई ठीक है, बहुत काम वाम कर लिए, पढ़ाई वढ़ाई कर लिए, आओ जरा थोड़ा कॉफी वॉफी तुम भी पियो और तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा लाइट फील करो। तो ये थे मेरे साथ क्षितिज और आमना, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, मजाक मस्ती भी हुई, और देवजानी दास गुप्ता मैम के लिए मैं भी अपनी तरफ से कुछ गुनगुनाता हूँ, तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि क्या होता है कि बीच बीच में कई बार लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, तो आई एम श्योर कि अभी उनका रिटायरमेंट काफ़ी दूर है, तो वो छुट्टी पर भी अगर बीच बीच में जा रही हैं तो हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैम अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, तो वैसी वाली बात है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा 90.4 MHz यानी कि हमारे ज्ञानवाणी पर, कम्युनिटी रेडियो पर आप लोगों के साथ बने रहेंगे। 2 से 3 के बीच दोबारा आ रहा हूँ, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और स्टूडेंट से, एक और स्कूल के स्टूडेंट मेरे पास आएंगे और वो आयुर्वेदा के स्टूडेंट आने वाले हैं। आज हम चक्रास पर बात करेंगे और भी बहुत सारी उनसे बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, थैंक यू सो मच।